माया नगरी मुंबई में एक बार फिर बादल आफत बनकर बरस रहे हैं। देश की आर्थिक राजधानी की सड़कें फिर से दरिया बनी हुई हैं और शहर समंदर में तब्दील नजर आ रहा है। मुंबई और इससे सटे इलाकों में हुई भारी बारिश से हालात फिर बिगड़ गए हैं। तस्वीरें देखकर आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको मलाड की तस्वीरें दिखाते हैं। भारी बारिश के बाद जगह जगह हुए जलभराव के चलते हालात बद से बदतर हो गए हैं। नाले और नालियां ओवरफ्लो हो रहे हैं, जिससे सड़कों पर दरिया बहता नजर आ रहा है। एक बार फिर मलाड सबवे डूब गया है। सबवे में लगभग 10 फीट तक पानी भरा हुआ है। ऐसे में किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए प्रशासन ने इस सबवे की ओर आवाजाही रोक दी है। इस सबवे के डूबने से पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। अब आपको मुलुंड लिए चलते हैं। भारी बारिश के बाद ये पूरा इलाका समंदर में तब्दील नजर आ रहा है। सड़कों पर सैलाब ने कब्जा जमा लिया है। सड़क पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है और लोग इसी पानी में आने जाने को मजबूर हैं। मुलुंड स्टेशन के बाहर की हालत तो और ज्यादा खराब है। यहाँ के लोगों का कहना है कि मुलुंड में सालों बाद ऐसी तस्वीर देखने को मिली है। पिछले कई सालों से यहाँ जल भराव नहीं हो रहा था। स्थिति तो ऐसा है, तो पूरा पानी जाम हो गया है, तो अभी तो गाड़ी का कोई पता नहीं है। गाड़ी आएगा तो उस हिसाब से जाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे रहते हैं? यहाँ पे ही रहता हूँ। तो हर साल पानी भरता है इस तरह से? हर साल भी नहीं भरता है। सर, ये पहली बार भरा है। 2005 में हुआ था, अभी भी ये हुआ है। यहाँ पे बहुत पानी भरा है और ट्रैक पे नहीं भरा है, लेकिन रोड पे बहुत पानी भरा है। लोगों को आने जाने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। जोगेश्वरी इलाके की भी तस्वीर जुदा नहीं है। सड़कों पर दरिया बह रहा है, जिसके चलते ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। गाड़ियां पानी में डूबकर सड़क से रेंगती हुई गुजर रही हैं। लोगों को भारी मुसीबतें उठानी पड़ रही हैं। मुंबई के सांताक्रूज इलाके में वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भारी बारिश के बीच गाड़ियां रेंगती हुई चल रही हैं। ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। बारिश ने एक्सप्रेस वे की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। सड़क पर कई जगह पानी जमा होने से बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसके चलते हर समय हादसे की आशंका बनी रहती है। सैलाब ने पालघर में ऐसा कब्जा जमाया है कि सड़कें और रास्ते गुम हो गए हैं। पालघर का HDFC बैंक भी पूरी तरह से पानी में डूब गया है। लोगों के घरों में कमर तक पानी घुस चुका है। घरों में दरिया बह रहा है। जरूरी सामान पानी में बह रहा है। लोगों का कहीं आना जाना मुश्किल हो गया है। दहिसर इलाके में भी बारिश ने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। शुक्रवार रात से शुरू हुई बारिश के सिलसिले के चलते ये पूरा इलाका पानी में डूब गया है। सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया है। सड़कों से होते हुए पानी ने रिहायशी सोसाइटियों का रुख कर लिया है, जिसके चलते यहाँ रहने वाले लोगों को भारी मुसीबत उठानी पड़ रही है। मुंबई से सटे ठाणे में भी भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। ठाणे में पिछले 9 घंटे में 50 मिलीमीटर पानी बरसा, जिससे कई इलाकों में सड़कों पर दरिया बहता नजर आया। हालात इस कदर बिगड़ गए कि स्कूल और कॉलेज बंद करने पड़ गए। लोगों को बहुत जरूरी होने पर ही घरों से निकलने की सलाह दी गई है। खाड़ी के ऊपर बन रहे कम दबाव के क्षेत्र को देखते हुए मौसम विभाग ने सोमवार तक शहर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और रविवार तक के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुंबई के अलावा घाटों समेत पश्चिम और मध्य महाराष्ट्र के इलाकों में भी रेड अलर्ट जारी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 4 से 5 अगस्त को भारी से बेहद भारी बारिश कोंकण और मध्य महाराष्ट्र के कई इलाकों में हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।